आप सबको जय मसीह की प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए जो परमेश्वर हमारे पिता ने हमारे जीवनों में दी है। हम सब आनंदित हैं कि हम आज शाम में परमेश्वर के साथ संगति करने को तैयार हैं। हम सब अपने आप को तैयार करें परमेश्वर पिता के साथ संगति करने के लिए। सच में ये समय परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम उसकी तारीफ उसकी बड़ाई करें। आज की शाम में हम आपके लिए आपके परिवार के लिए आपके दुख बीमारी विपत्तियों के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से मिलकर प्रार्थना करेंगे। आप ही इस प्रार्थना में हमारे साथ शामिल हुए और हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के जीवित वचन को सुने और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक बहन ने हमें बताया उनका कई समय से कोई भी बेबी नहीं था। जब डॉक्टर से इलाज करवाया तो उसके बाद पता चला, डॉक्टर ने बताया कि उनका कभी भी कोई भी बेबी नहीं हो सकता है, वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं। परंतु मेरे प्रियो, बीते साल से वो हमारे साथ में जुड़ी हुई थी और लगातार प्रार्थनाओं में शामिल हो रही थी और प्रभु से प्रार्थना कर रही थी। मेरे प्रियो, इस समय उन्होंने बताया कि प्रभु ने उन्हें एक बहुत बड़ी आशीष दी है कि उनकी बेटी हुई है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने उनके जीवन में बहुत बड़ा अद्भुत आश्चर्य कर्म किया। मेरे प्रियो, प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। डॉक्टर ने क्या कहा वो मायने नहीं रखता, आपका विश्वास प्रभु पर क्या है वो मायने रखता है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस बहन के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। वो बहन अब बहुत खुश है, बहुत आनंदित है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उसके लिए असंभव को संभव कर दिया। जो नामुमकिन था वो उसके लिए मुमकिन हो गया। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। व्यवस्था विवरण उसका 15 अध्याय और 10 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, तो उसको अवश्य देना और देते समय तेरे मन को बुरा न लगे, क्योंकि इसी बात के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों में जिसमें तू अपना हाथ लगाएगा तुझे आशीष देगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि परमेश्वर तेरे हाथ के कामों पर जिन पर तू हाथ लगाएगा उन सब कामों को प्रभु यीशु मसीह सफल करेंगे, उन सब कामों को प्रभु आशीषित करेंगे। परंतु कब? यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू अपने दीन दरिद्र भाई को दान दे, जब तू अपने दीन दरिद्र भाई की सहायता करे, उसकी मदद करे, तब परमेश्वर तेरे कामों पर आशीष देगा, तेरे कामों को सफल करेगा। इसलिए मेरे प्रियो, हर एक जरूरतमंद की मदद करें। जो कुछ आपसे बन पड़ता है वो उस जरूरतमंद के लिए करें। आप मदद करने में, सहायता करने में अपने हाथ को पीछे न खींचें, बल्कि अपने हाथ को आगे बढ़ाएं मदद करने के लिए, किसी की सहायता करने के, किसी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करने के लिए हमेशा आप आगे रहें, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे सब कामों पर आशीष देगा जिन पर तू हाथ लगाएगा। तेरे हाथ के कामों पर परमेश्वर आशीष देगा। मेरे प्रिय, प्रेरितों के काम उसके 10 अध्याय में हम एक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम कुर्नेलियुस है। और वो कुर्नेलियुस व्यक्ति वो हमेशा दान दिया करता था, वो दूसरों की मदद किया करता था और वो अपने पूरे परिवार सहित परमेश्वर पर भरोसा रखा करता था। हालांकि वो यहूदी नहीं था, वो अन्य जाति था, परंतु उसके अंदर एक भावना थी कि मैं दूसरों की मदद करूं, उनकी सहायता करूं, उनको दान दूं। तो बाइबल कहती है कि वो यहूदियों को दान दिया करता था और परमेश्वर का भय माना करता था। फिर एक दिन परमेश्वर ने उसी कुर्नेलियुस को दर्शन दिया। स्वर्गदूत ने कुर्नेलियुस से कहा कि तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के सामने पहुंचे हैं। मेरे प्रियो, हमारा देना, हमारा दान, हमारी किसी की मदद करना, हमारी किसी की सहायता करना, वो परमेश्वर को भाता है और परमेश्वर उसे हमारी भेंट के रूप में ग्रहण करता है और तब परमेश्वर हमें बहुतायत से आशीषित करता है। ये अन्य जाति होकर भी इसने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना और परमेश्वर ने तब इसको दर्शन दिया और आगे भी परमेश्वर ने इसके जीवन में एक बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म किया। तो मेरे प्रियो, आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मदद करने में, दूसरों की सहायता करने में, जरूरतमंद को देने में कभी भी अपने हाथ को पीछे न करें, हमेशा सहायता करने के लिए हमेशा आगे रहें।
तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे सब कामों पर आशीष दूंगा, तेरे हाथ के कामों पर आशीष दूंगा। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु। इस सुंदर समय के लिए मेरे खुदावन, मेरे यीशु राजा, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तू अल्फा और ओमेगा है, तू आदि और अंत है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज की शाम में परमेश्वर ये आपने समय दिया प्रभु कि हम दिन भर की तमाम बातों के लिए हृदय से आपका धन्यवाद करें पिता। प्रभु आप सच में महान है, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति कर्णों में परमेश्वर है प्रभु जी। आप दयालु हैं, आप प्रेमी हैं, आप दीन और नम्र हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपके पवित्र पवित्र अति पवित्र नाम की तारीफ और बड़ाई और प्रशंसा करते हैं प्रभु। सच में हमारे शब्दों से हम आपके नाम को ऊंचा करते लॉर्ड। सच में मेरे खुदावन आपने हम सबको चुना है, अपना बेटा और बेटी बनाया प्रभु। सच में आप धन्य है, धन्य है प्रभु, तेरा नाम धन्य है परमेश्वर। ओ हालेलुया, तू परम धन्य परमेश्वर है प्रभु। धन्यवाद, तू एकमात्र मात्र अधिपति है प्रभु, हमारे जीवन का राजा है और शांति का राजकुमार है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते प्रभु कि दिन भर में प्रभु जी आपने प्रभु हमें हर एक गलत बातों से बचाया, दुर्घटनाओं से बचाया और सुरक्षित प्रभु हम अपने घरों में हैं पिता और तेरे साथ संगति कर रहे प्रभु। इस बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु। न जाने कितने लोगों ने ये समय नहीं देखा, परंतु प्रभु तेरा धन्यवाद देते हैं कि हम आपके अनुग्रह से इस समय को देख पाए। मैं हर एक जन जो आज की शाम में मेरे साथ प्रार्थना में शामिल है प्रभु, एक एक जन को आपकी उपस्थिति में लेकर आते, आपके लहू में कवर करते, आपके सुरक्षा दायरे में रखते हैं, आपके स्वर्गदूतों के पहरे में रखते लॉर्ड। सच में मेरे पिता आपकी उपस्थिति आज के शाम में मेरे खुदावन हम सबके बीच में है। धन्यवाद आपकी पाक और पवित्र उपस्थिति के लिए मेरे प्रभु। मैं दुआ करती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि पवित्र आत्मा आप हमें गाइड करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे प्रार्थना में अगुवाई करने के लिए आप हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता लॉर्ड। सच में प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु। आज की शाम में प्रभु जो आपका वचन स्वर्ग से प्रभु ताया हुआ वचन हमारे बीच में बोया गया प्रभु, होने दे प्रभु। जब हमने अपने कानों से सुना, अपने हृदय से ग्रहण किया लॉर्ड, तो प्रभु होने दे इन भाई बहनों के जीवन में ये वचन नामो नाम फलवत होने पाए पिता, इनके जीवनों में ये कार्य करे प्रभु और प्रभु ये आपके जीवित वचन के अनुसार अपने जीवन में चल सके लॉर्ड। सच में मेरे खुदावन आप प्रभु एक अच्छे जीवन को चाहते, एक अच्छे चाल चलन को चाहते प्रभु, और आपकी सिद्धताई में हम बड़े, आप ऐसा जीवन चाहते लॉर्ड। हाँ प्रभु आज की शाम में हम सबको अपने समान बनाइए प्रभु, ये हम खुद से नहीं कर सकते, परंतु प्रभु आपका आत्मा जो हमें गाइड करता है, जो हमें सिद्ध बनाता है, वो हमारी सहायता करता है। हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आप हमें बना रहे हैं, आप हमें तराश रहे हैं, क्योंकि प्रभु आपने हमें अपनी चाक पर रखा है प्रभु, और आप कुम्हार हैं, हम मिट्टी है प्रभु, आप हमें बनाते हैं प्रभु, आप हमें सृजते हैं प्रभु जी, आप हमें, आपने हमें सृजा है प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। मेरे प्रभु सच में मेरे खुदावन प्रभु आप प्रभु जी भलाई से खुश होते हैं प्रभु। जब हम एक दूसरे की भलाई करते, एक दूसरे की चिंता करते हैं, एक दूसरे की भलाई की कामना करते लॉर्ड, ऐसा जीवन, हाँ प्रभु ऐसा जीवन आपको भाता है प्रभु। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, ये भाई ये बहन प्रभु एक दूसरे की भलाई करें, जरूरतमंद की सहायता करें, और पिता होने दे प्रभु जितना हो सके प्रभु बढ़कर प्रभु जी ये जरूरतमंद की सहायता करें, कभी भी कुड़कुड़ाएं नहीं प्रभु, कुड़कुड़ाने का जीवन इनका नष्ट होने पाए यीशु के नाम से मेरे परमेश्वर। परंतु प्रभु दीन और नम्र होकर प्रभु जी प्रभु एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे की मदद करने वाले हो सके प्रभु, ऐसा जीवन आप इनका बनाए परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु कोई भी जो इनसे इनके पास आता है प्रभु, जो जरूरतमंद है प्रभु, होने दे प्रभु आप इन्हें एक ऐसा हृदय दे प्रभु जी कि ये हर एक की सहायता करे, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है तू भलाई करने से पीछे ना हटना। हाँ मेरे परमेश्वर ये भाई ये बहन प्रभु अपने जीवन में भलाई करने से पीछे ना हटे प्रभु। मेरे पिता कई लोगों के, कई भाई बहनों के मनों में आता है कि हम बहुत भलाई करते हैं परंतु हमारे जीवन में कोई भी असर नहीं है, परंतु पिता होने दे प्रभु ये किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, परंतु प्रभु सिर्फ और सिर्फ प्रभु सारे काम तुझे महिमा देने के लिए करे प्रभु। लोगों की भलाई, लोगों पर दया, लोगों से प्रेम प्रभु जी ये भाई बहन करने पाए प्रभु। आज ऐसा स्वभाव इनको दे, प्रेम करने वाला, दया करने वाला, मदद करने वाला हृदय आप इन्हें दे प्रभु जी। धन्यवाद कि ये आपके प्रभु
चलाए हुए चल रहे प्रभु जी। सच में प्रभु जिस प्रकार आपने प्रभु हम सबको बचाकर हमारे जीवनों में आकर हमारी मदद की, उसी प्रकार मेरे प्रभु ये भाई ये बहन भी प्रभु जी, प्रभु जो कोई भी इनके पास आता है, जरूरतमंद आता है प्रभु, ये इनकी सहायता करे प्रभु और दिल खोल कर सहायता करने पाए परमेश्वर पिता। आज की शाम में मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो कुछ भी काम परमेश्वर ये भाई ये बहन करते परमेश्वर पिता, प्रभु जी यदि जॉब करते प्रभु, कारोबार करते हैं प्रभु जी, बिजनेस को संभालते परमेश्वर पिता, मेरे खुदावन घर पर खेती और किसानी करते हैं, जानवरों को पालते हैं पिता, यीशु के नाम से परमेश्वर ये जिस काम पर हाथ लगाए पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से इनके हाथ के कामों पर आप आशीष दे मेरे खुदावन, जिस प्रकार आपका वचन कहता है होने दे, ये वचन की घोषणा मैं इस भाई इस बहन के जीवन में करती हूँ लॉर्ड, इनके हाथों पर आप आशीष दे मेरे प्रभु, मेरे खुदावन जब ये घर पर काम करते प्रभु जी, मेरे पिता परमेश्वर यदि जॉबलेस है प्रभु जी, मेरे खुदावन आप इनको प्रभु इनके घर के कामों पर आशीष दे मेरे खुदावन, और यदि जॉबलेस है पिता तो आप इन्हें जॉब दे मेरे खुदावन, यदि प्रभु कोई भी इनकम का साधन नहीं प्रभु, आप इनका इनकम का सोर्स आप इनके खोलें प्रभु, ताकि ये प्रभु आशीषित होने पाए, जो भी टैलेंट आपने इनको दिया है मेरे खुदावन प्रभु, उस जगह पर मेरे प्रभु जो टैलेंट आपने इनको दिया है प्रभु, वो उसे और निखारने पाए, और प्रभु आप इनके हाथ के कामों पर आशीष करें मेरे परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, होने दे प्रभु कि ये तेरी आशीषों को अपने जीवन में देख सके परमेश्वर लॉर्ड, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो भाई बहन अपने जीवन में बहुत ज्यादा असफलताओं को देखा है, यीशु मसीह नासरी आपसे दुआ है कि आप उन्हें आज की सुंदर शाम में प्रभु जी उनके जीवनों में सफलता का दरवाजा खोल दीजिए परमेश्वर, न्यू अपॉर्चुनिटीज आप उन्हें दे दीजिए और उन्हें इनके जीवन में सफल करें, यदि प्रभु जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं पाई हो प्रभु, परंतु आज से परमेश्वर आप इन्हें सफल करें प्रभु, और होने दे प्रभु जी इनके सारे काम बनने पाए लॉर्ड, मैं आज की शाम में प्रार्थना करती हूँ जिन भाई बहनों को नेगेटिव विचार आते हैं, बुरे सपने आते हैं प्रभु, डरते हैं घबराते हैं पिता, और प्रभु नींद नहीं आती, यीशु के नाम से हम कहते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक बुरे सपने हर एक नेगेटिव विचार यीशु के नाम से निकल कर चला जाए, हर एक डर हर एक बेचैनी हर एक घबराहट यीशु के नाम से निकल कर चला जाए प्रभु, यीशु के नाम से प्रभु आप इन्हें मीठी और सुकून भरी नींद दे परमेश्वर, मेरे खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ आज की शाम में जो बीमार है यीशु आज की शाम में आप उनकी सुधी लें प्रभु, जब ये भाई बहन अपनी बीमारियों के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु, मेरे साथ मिलकर अपनी बीमारियों को डांट रहे प्रभु जी, होने दे प्रभु जी ये जो कुछ भी कह रहे प्रभु, होने दे प्रभु, इनके मुंह में प्रभु आपने सामर्थ्य दी है प्रभु, यीशु के नाम से हम कहते हैं प्रभु, जिस बीमारी को ये अपने मुंह से डांट कर आज्ञा दे रहे हैं, जाने की आज्ञा दे रहे, होने दे परमेश्वर ऐसा ही इनके जीवन में होने पाए प्रभु, यीशु के नाम से ये बीमारी इनके शरीरों से निकल कर चली जाए, हर एक दर्द इनके शरीरों से निकल कर चला जाए लॉर्ड, ये तेरे कोड़े खाने से चंगे हो गए प्रभु, धन्यवाद आज की शाम में जो भाई बहन कमेंट्स कर रहे हैं प्रभु, जो हमारे साथ मिलकर अपने निवेदनों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, यीशु मसीह आप उनकी प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु, और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जो भाई बहन हमें प्रभु YouTube में कमेंट्स करते हैं प्रभु, WhatsApp में मैसेजेस करते हैं, फोन कॉल्स करते हैं प्रभु, उन सब के निवेदनों को मेरे प्रभु आज की शाम में आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता, यीशु मसीह मैं नहीं जानती परंतु यीशु मसीह आप हर एक के निवेदन को हर एक के हृदय की बातों को गुप्त की बातों को जानते हैं परमेश्वर, आप उनके प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु, धन्यवाद करते पिता, आपने हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में दिया, यीशु के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक आज शाम की प्रार्थना में बने रहे, प्रभु आपको आज की शाम में नामो नाम आशीष दे, और हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब किया है, और आप हमें निरंतर अपने कमेंट व्हाट्सएप मैसेज और कॉल के द्वारा अपने जो प्रार्थना निवेदनों को भेज रहे हैं, हमारी पूरी टीम आपके लिए बोझ के साथ मिलकर प्रार्थना कर रही है, आप अपने अपने निवेदनों को अपनी परेशानियों को हमें बताएं ताकि हम सब हमारी पूरी टीम अपने बोझ के साथ में आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करें, प्रभु आपको आशीष दे, जय मसीह।